अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी जंगली पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबके कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी कार्ड आप नोट कर लें। सबसे पहले पैन में 1 कप तेल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चिकन ब्रेस्ट, जो कि इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे कवर नहीं करना, कवर किए बगैर ही इसे पकाएंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, चिकन हमारा पक चुका है और अब इसमें शामिल करेंगे 2 कटी हुई गाजरें। एक बड़ा चम्मच जीरा, दालचीनी और 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 2 काली और सब्ज़ इलायची, 2 बड़े चम्मच नमक, 2 चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। 2 आलू लिए और इन्हें इस तरह से टुकड़ों में काट लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं आलू भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। दो टमाटर शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है। जंगली पुलाव में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी शामिल कर लें जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें शामिल करेंगे उबला हुआ पानी। इस रेसिपी के लिए 1 किलो चावल लिए और इसमें शामिल करेंगे 1.5 लीटर पानी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें और तकरीबन 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चावल, जो कि आधा घंटा पानी में पहले भिगो कर रखे हुए थे। हल्के हाथों से चावलों को फ्लैट करेंगे। अभी इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। अब कवर किए बगैर ही चावलों का पानी ड्राई करेंगे। चावलों का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, अब हम इसे दम पर रखेंगे, कवर करेंगे और कोई भी पुराना तवा पैन के नीचे रखेंगे और मीडियम हीट पर तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे दम पर रखेंगे। चावल अभी अच्छी तरह से नहीं पके, पानी में थोड़ा सा पीला रंग शामिल करके चावलों के ऊपर इस तरह से डालेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे कटी हुई बंद गोभी। और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। अब हल्के हाथों से चम्मच लाएंगे
आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के चावल लग रहे हैं। आप भी ज़रूर जंगली पुलाव की ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आइए अब करते हैं सर्व। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।